हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिशा एंड मॉम। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है दिशा की मॉम के बारे में। अभी शाम हो रही है और हम लोगों ने सोचा है कि हम घूमने जाते हैं कहीं आसपास। तो अगर आप श्रीनगर में हो और आप घूमने का सोचो तो सबसे पहला स्पॉट जो आपके दिमाग में आता है वो है गंगा दर्शन। आप नाम से समझ रहे होंगे, वहाँ से आपको पूरे गंगा नदी के दर्शन हो जाते हैं और वहाँ से श्रीनगर भी बहुत अच्छा दिखता है। तो चलो चलते हैं। हम लोग दिशा को नहीं लेके जा सकते क्योंकि शाम हो रही है और हम लोग बाइक से जाएंगे तो वो डरती है बाइक में। आपको दिखाएंगे वहाँ से कैसा व्यू दिखता है। पापा कहाँ जा रहे हैं? हमने इसे झूठ झूठ बोला है कि हम लोग जा रहे हैं सुई लगाने के लिए डॉक्टर के पास, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर के पास जाने में। बाय बाय जीशी। आपके लिए क्या लाना है? और ओके, लॉलीपॉप और चिज्जी लेके आएगी मम्मा, ठीक है? बाय से बाय टू मम्मा। फ्लाइंग किस। ये हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे पे। इतना अच्छा लग रहा है सनसेट, जैसे बोल रहा है रेड रेड पूरा। एरिया एसएसबी की फायरिंग रेंज है यहाँ पे। तो हम लोग एक जगह पे रुके हैं, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। हम लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं और आपको लेके चलते हैं हम लोग आके गंगा दर्शन। ये है गंगा दर्शन जहाँ हमको जाना है, बट हम लोग थोड़ा सा आगे से घूम के आएंगे तो आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। और इसी रोड पे अगर हम जाएंगे आगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे पौड़ी। हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है और अब आपको लेके चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन जो है गंगा दर्शन। चलिए फिर। ये है गंगा दर्शन का रास्ता। यहाँ और हम लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए वी आर वेयरिंग मास्क लगा के चलना और चढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ से दिखाती हूँ मैं व्यू, ये चीड़ के खूबसूरत पेड़ और सुंदर सा गंगा नदी का व्यू, अलकनंदा नदी का। और ये हमारा रास्ता। एक छोटा सा जिम एरिया बना हुआ है और ये बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना हुआ है, पर बच्चे कम और बड़े ज़्यादा हैं यहाँ पे। बुज़ुर्ग वार आंटियाँ भी जो हैं सावन के झूलों का मज़ा ले रही हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो वो झूले पे आप देख सकते हैं। नाना वो तो बालिका है, इधर वाली ये सही है, सबको इन्जॉय करना चाहिए।
नज़र आ रही होगी अलकनंदा रिवर, कितनी बड़ी है यार यहाँ पे ना, तो कहाँ से कहाँ तक दिख रही है। और ये हैं हम लोग एंजॉय करते हुए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये दूसरी साइड का व्यू जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था, और यहाँ घना जंगल और घने जंगल के बीच में एक गांव। जो बाहर के लोग होते हैं ना उनके लिए बहुत टफ होता है, मतलब इमेजिन कर पाना कि ऐसे घने जंगल के बीच में कैसे लोग रहते हैं, बट यहाँ के लिए नॉर्मल सी बात है। और ये जो मंदिर है ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर। ये शाम का नज़ारा है गंगा दर्शन से। नीचे अगर आप देखेंगे तो वह अलकनंदा नदी बह रही है, और वो जो सामने से जो रोड आ रही है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ को जोड़ता है। तो गडकरी जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है उत्तराखंड के लोगों के लिए, बहुत ही खूबसूरत रोड बनाई है। और शाम के समय ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है ऐसे अगर आप गंगा दर्शन पे आएंगे। जगमगाती हुई लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को लगेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अब रात होने लगी है और हम लोग निकलेंगे घर की तरफ इससे पहले कि ज़्यादा अंधेरा हो जाए। जाते वक्त आपको बाइक स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप न्यूट्रल में ही पहुंच सकते हो क्योंकि पूरी ढलान है। अभी हम लोग न्यूट्रल में चल रहे हैं और ऑलमोस्ट हम लोग घर के पास तक ऐसे ही चलेंगे न्यूट्रल में। हाँ गाड़ी वाले नहीं, हाँ गाड़ी वाले नहीं कर सकते, बाइक वाले। और आप लोग देख सकते हैं हमारा जगमगाता श्रीनगर, बोलते हैं ब्यूटी एट इट्स पीक। कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिवाली है। आई होप आप लोगों को हमारे ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड होप तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। और जाते जाते आप लोगों के लिए खूबसूरत सा गाना। Uh-huh.